गेल जब चाइना को मारते हैं तो चाइना क्या करता है, चाइना को भारत के पांव पकड़ने पड़ेंगे। और कितने लोगों का नरसंहार हुआ बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के टाइम पर, और क्या कर पाई पाकिस्तान, बताइए ना। अगर पाकिस्तान इतना सशक्त मुल्क होता तो अपने दो टुकड़े होने से रोक लेता, नहीं रोक पाया ना, और पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो ये भारत की ताकत है, इसको भूलना नहीं चाहिए। आपके मुख्य प्रधानमंत्री इमरान खान ने कश्मीर पे दो लाइनें यूएन में ज्यादा क्या भेज दी, सऊदी अरेबिया के क्राइम प्रिंस ने उनको प्लेन से उतार दिया, ये औकात है पाकिस्तान की। चीन में मुसलमानों के साथ क्या किया जाता है, क्या आपने कोई प्रदर्शन किया? आपको हिंदुस्तान के मुसलमान दिखेंगे। 56 इंच के सीने की कैपेबिलिटी को आप कमजोर मत आकिए, क्योंकि जब पड़ेगी ना तब आप समझ नहीं पाएंगे कमर सीमा साहब। और दुनिया का सिर्फ एक धर्म है, एक धर्म लिख लीजिए आप, एक ही धर्म है जिसने अनादि काल से सर्वधर्म संभाव और वसुदेव कुटुंबकम की बात की है। मैं आपको ये बता दूं, जितना खुश हिंदुस्तान में मुसलमान है उतना मुस्लिम देशों में भी नहीं है। हिंदुइज्म इज अ वे ऑफ लाइफ, पढ़िएगा कभी हिंदुइज्म के बारे में। अत्याचार खत्म किया है, उनकी यादें मिटाना चाहते हैं। कल से पाकिस्तान में रह नहीं पाएंगे आप। जन्नत की हकीकत पाकिस्तान की क्या है कमर चीमा साहब, आप भी जानते हैं। आप एक कदम नहीं चल सकते, चीन आपको रोटी ना दे। अब इमरान खान को बोलो सर, वो कोई जो ये बोलते हैं ना अपना सीनियर क्रिकेट, अभी कोविड के बाद शुरू होगा तो एक बार फिर से वो सीनियर क्रिकेट खेलने लगे, क्लब क्रिकेट खेलने लगे। ये देश चलाना वाला ना उनके बस की बात नहीं है। और अगर वो भी नहीं कर पाए वो, तो फिर एक आध शादी और कर ले, कोई दिक्कत नहीं। निकले आप एक ही माँ के पेट से हो, भारत के अलावा पाकिस्तान का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, न इतिहास है, न संस्कृति है, न राजनीति है, न विज्ञान है। अच्छा दीपक भाई, ये बताएं कि कल वो पॉलिटिक्स पे थोड़े डिस्कस करें, कल वो नेपाल की पार्लियामेंट ने बड़ा फुल मेजोरिटी के साथ पॉलिटिकल मैप की रीड्रॉइंग की बात की है कालापानी और बाकी इलाकों में, तो ये जो एक पर्सपेक्टिव डेवलप हो रहा था कि इंडिया जो है वो अपने छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर चढ़ाई कर रहा है और उनपे कब्जा करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, तो ये बात फिर सही साबित हो रही है कि जो बीजेपी की सरकार है वो सबके साथ कोर्जियन का इस्तेमाल कर रही है। एलओसी पे भी मामला खराब है, मेरे ख्याल से आपके बेसिक फैक्ट इसमें गलत है। नेपाल ने जो किया है सबको पता है किस लिए किया है, उसके पीछे आपका भी देश है, उसके पीछे चाइना भी है, इन दोनों ने चाबी दी है उसको। क्यों चाबी दी है? क्योंकि चाइना अपने आप का प्रभुत्व नेपाल पर साबित करना चाहता है, ये सबको पता है। ये कोशिश 10-12 साल से चल रही थी, इसमें हमारे यहाँ के भी कुछ लोग इन्वॉल्व थे। यही कारण था कि उसको हिंदू राष्ट्र से हटा करके उसको एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र कर दिया गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वहां की जो सत्ता है वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट लोगों के पास है, वहां पर भी अभी भी भारत समर्थक तत्व मौजूद है। एक एमपी ने उसके लिए वॉकआउट भी किया। जिन नक्शों की बात उन्होंने अगर कही है, अगर कल उनको यूनाइटेड नेशन जारी जाना पड़ा और ये कहलाना पड़ा कि लिपुलेख, धारचूला और ये जो तीसरी जगह है वहां पर कालापानी, ये तीनों जगह भारत में नहीं हमारे नक्शे में है, तो भी उनको दिक्कत होगी। क्योंकि जो यूएन के अंदर भारत और पाकिस्तान का मैप, भारत और नेपाल का मैप सबमिट हुआ है, उसमें ओरिजिनली ये तीन इलाके भारत के अंदर है। तो ये पाकिस्तान और चाइना की एक मिली जुली शरारत है। पाकिस्तान और चाइना ये क्यों कर रहे हैं नेपाल पर दबाव डलवा के, इसका बड़ा सीधा सा रीजन है। चीन इस वक्त घिरा हुआ है कोविड की प्रॉब्लम्स के चलते, उसके ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर है, तो ये इस इलाकों में डिस्टर्बेंस फैलाकर अपने लिए बड़े लोगों से बातचीत की एक अपॉर्चुनिटी तलाश रहा है, और भारत उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव वे से काम कर ले। इससे ज्यादा मैं इन चीजों को कुछ नहीं देखता। ये 1962 का भारत नहीं है। नेपाल इस बात को अच्छी तरह जानता है, नेपाल भारत पर कितना निर्भर है और नेपाल से भारत के कितने रिलेशन है, ये तो अनादि काल से है। भगवान राम की पत्नी सीता जनकपुर यानी काठमांडू की पैदा हुई थी, ये तो हमारे इतिहास के अंदर लिखा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में किसी तरह की दिक्कत होगी। हाँ, शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान और चाइना अगर थोड़ा बदमाशी बंद कर दे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। अच्छा दीपक भाई, हमने चलो नेपाल में तो हम बदमाशी कर रहे हैं, तो जो चीनी फौजें वो आपके मुल्क में घुस गई और वो मोदी साहब का कहता है मेरी 56 इंच की छाती है, वो लोग मजाक उड़ाते हैं हमारी लिए तो 56 इंच की है, चीन के मुकाबले में 26 इंच की रह गई है, तो ये क्यों बात, डबल स्टैंडर्ड क्यों है? और मीडिया भी नहीं बोल रहा, छाती तो 56 इंच की है। 56 इंच की छाती का मैं रीजन आपको बता दूं। देखिए, इमरान खान भी जाएंगे ना नमाज पढ़ने भी जाएंगे
तो मन में वो नरेंद्र मोदी का नाम 3-4 बार लेते हैं, फिर उसके बाद आपके जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स, आपके जितने बाजवा कभी कश्मीर बोलेंगे, कभी मानव अधिकार बोलेंगे, तो आपका जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे बिना नहीं हो सकता। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जहां तक चाइना की बात है, मैंने आपको रीजन बताया कि चाइना इस तरह का प्रेशर क्यों बना रहा है, और सबको पता है कि जो चाइना और भारत के बीच LAC है, हमारे बीच एक वेल ड्रॉन मैकेनिज्म है बातचीत का, बातचीत करने का। और जहां तक आप बात कर रहे हैं कि सेना थोड़ी आगे पीछे हो गई है, तो कल की जो बातचीत हुई है उसके बाद दोनों सेना नॉर्मल जगह पे हैं, और मुझे लगता है कि जब ये वर्ल्ड फोरम पे चाइना पे दबाव पड़ेगा ना, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े देशों का, क्योंकि अभी G10 में भारत को शामिल करने के बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं और वहां पर चाइना भी होगा, तो देखना पड़ेगा यहाँ पर कि जब वो परिस्थिति आती है और मिल मिलकर घेर जब चाइना को मारते हैं तो चाइना क्या करता है, चाइना को भारत के पांव पकड़ने पड़ेंगे, और तब ये बातें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगी। और कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में एक वर्चुअल रैली करते हुए साफ कहा है कि आजाद कश्मीर, जिसको आप कहते हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो हमारा है। तो आप मान के चलिए मोदी जी के पास अभी 4 साल और है, मुजफ्फराबाद में भी बहुत जल्दी भारत का तिरंगा लहराएगा कुमार भाई। अच्छा, मैं एक दो आपकी बातों का जवाब दे लूं। पहली बात तो ये है दीपक भाई कि आपने अगर आपकी वहां पे जो सियासत होती है वो होती एंटी पाकिस्तान है, अगर बीजेपी एंटी पाकिस्तान बात ना करे तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकती। इतने लोगों का नरसंहार हुआ बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी के टाइम पर, और क्या कर पाई पाकिस्तान, ना अगर पाकिस्तान इतना सशक्त मुल्क होता तो अपने दो टुकड़े होने से रोक लेता, नहीं रोक पाया ना, और पूरी दुनिया ने उसको एक्सेप्ट भी किया। तो ये भारत की ताकत है, इसको भूलना नहीं चाहिए। तो ये 71 की बात है, मैं आपको करगिल की 1999 की बात बता देता हूँ। आपके सब सैनिक आते थे, मर के जाते थे, बॉडी बैग एक भी नहीं ली पाकिस्तान सरकार ने, हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया है, हम लोगों ने बरियल किया है सम्मान के साथ। आपने जो बांग्लादेश में किया वो तो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी, तो आप एक एक मुल्क के अंदर घुस के वहां पे मुक्ति वाहिनी बना के वहां के जो मिलिट्री है, जो हुकूमत है, उसको अगर आप उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो उसको आप फखर से कहेंगे? आपने तो ज्यादा की है, और वो बात है 50 साल पुरानी। दीपक भाई बात आगे निकल गई, आपने चीन की बात की, मैं सवाल करता हूँ कि आपके कहते हैं जी हो चीन कोई बात नहीं, खैर है, मसला ही कोई नहीं, हमारे बराबर है। मुझे बताएं आपकी उनकी क्या बराबरी है? 100 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, 80-85 अरब डॉलर आप इंपोर्ट करते हैं, और चीनी हमें कहते हैं कि अगर हम आज इंपोर्ट बंद कर दें तो इंडिया के तो चूल्हे बंद हो जाएंगे, वहां पे तो सारी इंडस्ट्री हमारे रॉ मटेरियल से चलती है। चलिए, आपका बड़ा भाई चीन है इसलिए आप उसको कितना भी बड़ा माने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं, दुनिया का अगर कोई सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो भारत है, और चीन की वर्ल्ड कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम है ये आप भी जानते हैं। अगर आप बात करिए पुराने युद्धों की जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुए थे, उस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ करती थी जनाब, पाकिस्तान के साथ, और इस बार आपके मुख्य प्रधानमंत्री इमरान खान ने 2 लाइनें UN में ज्यादा क्या भेज दी, सऊदी अरेबिया के क्राइन प्रिंस ने उनको प्लेन से उतार दिया, ये औकात है पाकिस्तान की। और मैं आपको ये भी बता दूं, आप चीन की इतनी वो कर रहे हैं, आपका एक इस्लामिक राष्ट्र है, चीन में मुसलमानों के साथ क्या किया जाता है, क्या आपने कोई प्रदर्शन किया? आपको हिंदुस्तान के मुसलमान दिखेंगे, चाइना में जो मुसलमानों से अत्याचार हो रहा है उस पर खामोश बैठेंगे? और आप ट्रस्ट की बात करते हैं ना, भारत का ट्रस्ट किसने तोड़ा है हर बार, भारत के पीठ पे छुरा किसने भोंका है हर बार, भारत के और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश हिंदू मुस्लिम के नाम पर कौन करता है हर बार? सिर्फ पाकिस्तान करता है। और मैं आपको बता दूं, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी शांति की बस लेके लाहौर गए थे, सिर्फ एक इनिशिएटिव पे नवाज शरीफ से मिले थे, नवाज शरीफ ने से बात की थी, मैं उस वक्त मौजूद था वहां पर लाहौर के अंदर, वापस आए क्या हुआ, करगिल हुआ, किसने किया, परवेज मुशर्रफ ने किया, ठीक है करगिल हो गया था, आपको विड्रॉ करना पड़ा, आपको नाक की खानी पड़ी, और आप अपने जो सैनिक थे उनके शवों तक को नहीं ले गए, मतलब कोई व्यक्ति अपने देश के सैनिकों के शवों को दूसरे देश की सरहद पर मरता हुआ छोड़ दे और फिर बोले ये हमारे लोग ही नहीं है, इतना कृतज्ञ राष्ट्र अगर कोई है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। उसके बाद क्या हुआ, जब करगिल हो गया, करगिल खत्म हो गया, हमने बोला आगरा में आके बात करिए, तब हाथ आगे बढ़ाया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ बताइए ना मुझे, उसके बाद पर अटैक हुआ, कश्मीर पर अटैक हुआ, तो दोनों के बीच बहुत तनाव चला, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर सार की मीटिंग हुई पाकिस्तान के अंदर, और वहां पर भारत और पाकिस्तान के बीच 2004 में एक समझौता हुआ जिसमें पाकिस्तान ने वादा किया कि वो क्रॉस बॉर्डर टेरर भारत के अंदर नहीं करेगा, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन कहते हैं कमर भाई उसको, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन, और इस्लामाबाद के डिक्लेरेशन के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आया। और आप बोलते हैं भरोसा कर लें,
दोस्ती कहाँ तड़ाते हैं आप? मैं पूरा भोगते हैं, क्या बोलते हैं, भरोसा करते हैं। और दूसरी बात पाकिस्तान के बल पर भारत में चुनाव नहीं जीता जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर चुनाव जीते हैं तो उसके कई फैक्टर्स हैं। हाँ, पाकिस्तान भी एक हो सकता है, लेकिन उनकी जन कल्याणकारी योजनाएं, चाहे फ्री में गरीब लोगों को सिलेंडर देने वाली बात हो, कई सारी उनकी योजनाएं हैं, घर बनाने वाली बात हो, शौचालय बनाने वाली बात हो, लोगों को रोजगार देने वाली बात हो, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के तहत लोगों को गांव के अंदर पक्के घर देने की बात, वैसे कई सारी स्कीम्स तो उन्होंने चलाई है बॉस। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ पाकिस्तान पर एक हमला करा के जीत गए, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। और दूसरी बात, कम से कम 56 इंच के सीने की कैपेबिलिटी को आप कमजोर मत आकिए, क्योंकि जब पड़ेगी ना तब आप समझ नहीं पाएंगे। कमर सीमा साहब, मैं उनको लगभग 95 से जानता हूँ और ऑलमोस्ट डेली कॉन्टेक्ट के तौर पर जानता हूँ, तो जहां पर वो सोचना शुरू करते हैं इमरान खान वहां सोचना खत्म कर देते। देखें दीपक भाई, बात सुने, आपने इतनी बातें की, आपने पहले मुसलमानों की बात की, मुस्लिम वर्ल्ड की बात की, ये वही मुस्लिम वर्ल्ड है जहां से आपको अरबों डॉलर फॉरेन रेमिटेंस आता है। अभी आपने मुसलमानों को इस्लाम करार दे दिया, मुसलमान लगा रहे थे मोदिया के नारे, हम नहीं लगा रहे भाई, कुछ गिने चुने मुसलमान जो आपके द्वारा प्रायोजित होते हैं वो लगाते हैं इसलिए नारे। भारत में कोई इस्लाम नारा नहीं लगा रहा। और मैं आपको बता दूं, हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है और दुनिया का सिर्फ एक धर्म है, एक धर्म लिख लीजिए आप, एक ही धर्म है जिसने अनादि काल से, जब तक इतिहास नहीं लिखा गया इस धरती का, तब से सर्वधर्म संभाव और वसुदेव कुटुंबकम की बात की है। सिर्फ एक ही धर्म है जो सर्वधर्म संभाव कहता है और सिर्फ एक ही देश है जो वसुदेव कुटुंबकम कहता है। आप इन इन चीजों को नकार नहीं सकते जनाब। नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि नहीं, इसका किसी मजहब कलर कास्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर आपके जो वेस्टर्न मौलाना साहब के इंसिडेंट को आप जैसे लोग जो हैं सभी मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।